हमेशा कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, कांग्रेस को दूसरा कोई हरा नहीं सकता है। ये है कांग्रेस स्क्रीनिंग पार्टी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल, जो साफ तौर पर कह रही हैं कि कांग्रेस की हार के जिम्मेदार कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। लेकिन रजनी कांग्रेस की हार के लिए किसे जिम्मेदार मान रही हैं? क्या रजनी ये कहना चाहती हैं कि विधानसभा चुनाव में कुछ कार्यकर्ताओं ने अंदर ही अंदर भीतर घात कर कांग्रेस को हरवा दिया? क्या रजनी के निशाने पर सचिन पायलट हैं? रजनी ने खुलकर नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो जो कहना चाहती थी अपने इस बयान के जरिए कह चुकी हैं। तो क्या आज ये तस्वीरें होती? ऐसा है, हमेशा कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, कांग्रेस को दूसरा कोई हरा नहीं सकता है, इसलिए हमें सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट का झगड़ा किसको नहीं पता है। कांग्रेस के 5 साल के शासन के दौरान कई बार दोनों की आपसी लड़ाई खुलकर सामने आई, बयानों के तीर भी एक दूसरे के लिए खूब निकले। कई बार कांग्रेस आलाकमान ने दोनों की सुलह करवाई, लेकिन उसके बाद भी सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे के खिलाफ तंज कसे गए। भले ही दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव से पहले सुलह का लबादा ओढ़ लिया हो, लेकिन दोनों के बीच की कड़वाहट अब भी बाकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब रजनी पाटिल ये बात कह रही थी तो उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री ममता भूपेश भी मौजूद थीं। शायद दोनों नेता भी रजनी पाटिल की बात से इत्तेफाक रख रहे थे। तभी तो इस बार चुनाव हार चुकी ममता भूपेश के चेहरे पर एक उदासी साफ तौर पर दिखाई दी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस हार चुकी है, अब लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी एक्टिव मोड पर आ चुकी है, जिसके लिए पार्टी लगातार मंथन कर रही है। पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लोकसभा चुनाव में विधायकों को भी बड़ी संख्या में टिकट देने के संकेत दिए हैं। रंधावा का कहना है कि अगर बीजेपी वाले सांसद को लाकर विधानसभा चुनाव में हरवा सकते हैं तो हमारे पास तो जीते हुए विधायक हैं जो जीत भी सकते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार 100% यूथ पर हमारा फोकस रहेगा। रजनी पाटिल के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।